सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिस घर में नित्य प्रति नियम पूर्वक भगवान शालिग्राम जी का चरणामृत पिया जाता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, चरणामृत भी जो शालिग्राम जी का है उसको नित्य ग्रहण करने वाले के घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। भगवान नारायण का जो शालिग्राम जी का चरणामृत है उसमें 9 चीजें चाहिए होती हैं। ध्यान से सुन लेना वो कौन कौन सी 9 वस्तुएं हैं जो शालिग्राम जी के चरणामृत में आवश्यक हैं। सबसे पहले हैं श्री शालिग्राम जी, मतलब शालिग्राम शिला होना चाहिए घर में। दूसरा है गोमती चक्र, तीसरा है शंख, चौथी है घंटी, गड़ोर घंटी उस समय बजनी चाहिए, पांचवी है तुलसी, छठवा है ताम्र पात्र, सातवा है चंदन, आठवा है मंत्र और नौवा है जल। ये 9 वस्तुएं होनी चाहिए। फिर से बोलें, जिन्होंने याद नहीं किया एक बार और सुन लीजिए। शालिग्राम जी की शिला, गोमती चक्र, शंख, गरुड़ घंटी, तुलसी, चंदन, चंदन जो भगवान को चढ़ा हुआ है वही चंदन उसमें मिश्रित हो जाएगा, मंत्र और क्या रह गया, जल, एक और क्या छूट गया, ताम्र पात्र, तांबे का पात्र होना चाहिए, मतलब ताम्र पात्र में ही चरणामृत लेना चाहिए। तो भगवान शालिग्राम जी को तांबे के पात्र में आप जो है तुलसी बिछा दीजिए, माने तुलसी के पत्र रख दीजिए तांबे के पात्र में, तुलसी के ऊपर शालिग्राम जी को बिठाइए, सीधा सीधा नहीं बिठाना चाहिए, तांबे का पात्र हो उसमें शालिग्राम, उसमें तुलसी रखें, उस पर शालिग्राम जी को विराजमान करें, उनके पार्श्व में ही गोमती चक्र रखें, घर में गोमती चक्र अवश्य होनी चाहिए। फिर आप जिस जल से अभिषेक कर रहे हैं उस जल में भी तुलसी मिश्रित हो सके तो उसमें भी चंदन मिश्रित करिए, थोड़ा चंदन तुलसी उसमें डली हो, शालिग्राम जी को तो चंदन पहले से चर्चित है ही। फिर शंख और घंटी की ध्वनि करते हुए घंटी बजाएं और शंख से अभिषेक करें, घंटी को बजाना है और शंख में जल डाल के अभिषेक करना है, जैसे हम भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं तो श्रृंगी के द्वारा करते हैं, श्रृंगी से शंकर जी का अभिषेक होता है, श्रृंगी माने होता है सींग, गाय के सींग से, नील गाय के सींग से श्रृंगी बनाई जाती है, उससे भगवान शंकर का अभिषेक होता है, भगवान गणेश का अभिषेक, भगवान सूर्य नारायण का अभिषेक तांबे के पात्र से होता है, भगवती दुर्गा का अभिषेक स्वर्ण पात्र से होता है, और सूर्य भगवान नारायण का जो अभिषेक है, शालिग्राम जी का अभिषेक है, वो शंख के जल से होता है। तो आप शंख ले लीजिए और शंख में ऊपर से जल डालेंगे तो शंख का जल शालिग्राम जी पर गिरना चाहिए। तो शंख हो गया, तुलसी हो गई, जल हो गया, शुद्ध पवित्र जल हो, मंत्रोच्चार मुख से होते रहना चाहिए, यदि आपको जैसे जो मंत्र है वो वेद मंत्र होना चाहिए, पुरुषोक्त आदि, पर जिन लोगों को गृहस्थों को पुरुषोक्त याद नहीं है वो सब तो नहीं पढ़ सकते, तो आप नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर मंत्र को बोलते जाइए, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वा, ओम माताओं को नहीं लगाना है, यदि कोई भाई लोग कर रहे हैं तो ओम का उच्चारण भी साथ में कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो शंख में आप जल डालेंगे, तुलसी उसमें शंख में पड़ी हुई है, शंख के बाहर से वह जल शालिग्राम जी पर गिरेगा, थोड़ा घंटी बजाना है, मंत्र बोलना है, फिर वो चरणामृत जब उतरेगा, चरणामृत की एक बूंद भी भूमि पर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि चरणामृत जो है वो बड़ा दिव्यतम है, भगवान का चरणामृत, उसी से तो गंगा जी प्रकट हुई है भगवान के चरणों से, चरणामृत की एक बूंद भी भूमि पर नहीं पड़नी चाहिए। ऐसी पुराणों में कथा है कि चरणामृत की एक बूंद भी भूमि पर गिर जाती है तो हनुमान जी महाराज जीव से उसको चाटते हैं, तो कहीं भी यदि गिरेगी हनुमान जी जीव से उसको चाटेंगे तो हमको उसका दोष लगेगा, पाप लगेगा। इसलिए आपने देखा होगा जो वैष्णव लोग चरणामृत लेते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे हथेली के ऊपर एक कपड़ा रखते हैं और कपड़े के ऊपर हाथ रखते हैं ताकि थोड़ा एक कोई अंश गिर भी जाए तो वो नीचे ना जाए, कपड़े में आ जाए। चरणामृत को इतने यत्न पूर्वक लेना चाहिए कि उसकी एक बूंद भी नीचे भूमि पर ना पड़ जाए, कदाचित भूल से गिर जाए तो उसको तुरंत जो है ले लें और वहां जल से साफ कर दें, स्थान को कपड़े से साफ कर दें। चरणामृत की बहुत महिमा है, नित्य प्रति भगवान शालिग्राम का चरणामृत सबको लेना चाहिए।
तो जिन घरों में नित्य प्रति नियम पूर्वक शालिग्राम जी का चरणामृत धारण कोई ग्रहण करता है, उनके घरों में अकाल मृत्यु नहीं होती।